दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वन सेकेंड में आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ फ्रेंड्स। और जो वीडियो में हमारा जो इंग्लिश का आर्टिकल चल रहा था तो उसी में हम लोगों ने अभी तक 3 पार्ट कर चुके थे, अब हम चौथा पार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं कि चौथा पार्ट में क्या है, उसी के आगे कंटिन्यूस जो हम ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं कि रूल नंबर हमारा 21 हो चुका था, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब पहली बार आता है तो उसमें ए या एल लगता है, जब दूसरी बार आता है तो उसी के साथ द लगने लगता है। चलिए रूल नंबर 22 को देखते हैं फ्रेंड्स। तो रूल नंबर हमारा 22 कहता है, यदि वर्ब का प्रयोग किसी नाउन के रूप में हो तो उसके जरूरत के मुताबिक ए या एन का उपयोग होता है। ध्यान दे, वर्ब को ही नाउन बनाया जा सकता है, ठीक है, और जब वो नाउन बन जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन या द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर अ वॉक। यहां पर वॉक वास्तव में क्या है, एक वर्ब है, लेकिन वर्ब चूंकि यदि इसको नाउन के रूप में किया जाए तो यहां पर आर्टिकल लगेगा, यानी ए का उपयोग लगेगा। ये ए जो है करेक्ट है, तो उसके ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं वो एक वॉक पर इन्हें पैदल टहलने के लिए गए हैं। लेकिन यदि इस तरह से बोला जाए हिज ग्रैंडफादर गॉन फॉर वॉक तो ये गलत होगा। वैसे ही He wants to have, वो चाहता है a rest, एक आराम, a bath, एक स्नान, a drink, एक ड्रिंक लेना, कोई शराब का सेवन करना। Now, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखो, ये बात के सामने भी ए लगाए हैं, ये ड्रिंक के सामने भी ए लगा रहे हैं, रेस्ट के सामने भी ए लगा रहे हैं। यदि इनके सामने हम ये नहीं लगाते, जैसे he wants to have, rest, bath, drink यदि लगाते हैं तो ये सेंटेंस गलत होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, My son has gone for a swim ride. मेरा जो लड़का है वो एक स्विम के लिए या एक राइड पर, यानी एक बार नहाने के लिए या फिर एक सवारी करने के लिए गया है। राइड यानी ड्राइव करना वगैरह, इसकी टेस्टिंग करना। तो देखो यहाँ पर स्विम वर्ब होने के बावजूद नाउन का उपयोग हो रहा है, इसलिए ये लगा, राइड का उपयोग भी नाउन के रूप में किया जा रहा है। इसलिए तो नाउन को जब भी आप वर्ब को जब भी आप नाउन के रूप में लोगे तो उसके सामने ए या एन लगाओगे। My son has gone for a swim यदि बोलेंगे तो गलत होगा। Yesterday I had a long talk with the publisher. Publisher के साथ हमने a long talk, ध्यान दे verb है उसके, लेकिन फिर भी हमने a long talk होने की वजह से हमने उसको noun बनाया और हमने यहाँ article लगाया। Yesterday I had long talk बोलेंगे तो गलत होगा, ठीक है। ये कुछ basic rules है, थोड़ा समझ ले friend। Neelu gave a talk on her visit to Mumbai. मुंबई जाने पर उसने एक बातचीत की, तो यहाँ पर भी हमने a talk बोले क्योंकि हमने इसका noun के form में उपयोग किया। Neelu gave talk यदि बोलेंगे तो ये sentence गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड है उनको उपयोग रट ले फ्रेंड्स, जैसे जो वर्ब और नाउन दोनों के रूप में इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे वॉक का उपयोग जब भी नाउन के रूप में होता है तो पैदल चलना के अर्थ में होता है, यानी वो चलने का तरीका। जैसे ही हैज गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो अभी मॉर्निंग वॉक के लिए टहलने के लिए, ही हैज गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक याद कर लें, जब भी होता है तो ऑलरेडी वहां पर कोई ना कोई वर्ब होगी, ठीक है। आई कुड रिकॉग्नाइज हिम बाय हिज वॉक, मैं उसे उसके चलने के द्वारा उसे पहचान सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने उसके सामने वॉक के सामने आर्टिकल तो नहीं लगाया, लेकिन हमने बाय तो उसका यूज किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हिज वॉक जो है वो उसके चलने का तरीका है, इन्हें नाउन का फॉर्मेशन है। चलिए वॉक का उपयोग यदि वर्ब के रूप में होता है तो इस तरह से होता, वॉक स्लोली ऑन अ बिजी रोड, धीरे धीरे चलिए बिजी रोड पर, ठीक है। वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट के सड़क के उस पार चले जाएं। यदि वर्ब का उपयोग फ्रेज में जब भी होगा तो ये कोई यहाँ पर होगा तो वर्ब के रूप में, जैसे वॉकआउट, यानी वॉकआउट का मतलब होता है हड़ताल पर चले जाना, ठीक है, बाहर चले जाना। वॉक ओवर यानी किसी को भी जीत यानी विजय दे देना, ठीक है। इन इट आज इजिली डन विक्ट्री, द वर्कर ऑफ दिस फैक्ट्री वर्क आउट दिस मॉर्निंग, इस फैक्ट्री के वर्कर सुबह सुबह हड़ताल पर चले गए। तो देखो यहाँ पर वर्क आउट जो था यहाँ पर वर्क का फॉर्म था, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज किया। सिंस द अपोजिशन टीम डिड नॉट टर्न अप, टर्न अप यानी मैदान में आना, चूंकि हमारी विपरीत टीम जो विरोधी टीम है वो मैदान में नहीं आई, इसलिए वी गॉट अ वॉक ओवर, इसलिए हमें विजय दे दी गई। तो यहाँ पर अ वॉक ओवर देखें आर्टिकल लगाया, ठीक है। अगला देखते हैं,
रेस्ट का उपयोग जब भी नाउन के रूप में होगा तो आराम, रेस्ट का मतलब ही होता है फ्रेंड्स, रेस्ट का मतलब होता है आराम, ये याद कर लें, रेस्ट यानी आराम। तो आराम का मतलब रेस्ट इज नेसेसरी फॉर आफ्टर वर्क, यानी जो रेस्ट है का पूरे काम के बाद आराम करना आवश्यक है, रेस्ट इज नेसेसरी, आराम आवश्यक है आफ्टर वर्क। यहाँ पर रेस्ट क्या है, यहाँ पर ये नाउन का फॉर्म है, जबकि ईट व्हाट यू विश, जो तुम चाहते हो वही खाओ, एंड लीव द रेस्ट, यहाँ पर भी क्या है, ये नाउन का फॉर्म है, ठीक है, और लीव द रेस्ट यानी बाकी सब काम छोड़ दो। रेस्ट का उपयोग जब वर्क के फॉर्म में होता है तो आराम करना, आत्मा को शांति प्रदान करना, जैसे वी आर टायर्ड, हम बहुत थक चुके हैं, वी आर रेस्टिंग नाउ, अब हम हमेशा हम बहुत लंबा आराम कर रहे हैं, मे गॉड रेस्ट हिज सोल, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ पर भी रेस्ट शांति के रूप में, यहाँ पर हमने वर्ब के फॉर्म में किया, रेस्ट हिज सोल, उसकी आत्मा को शांति दे, शांति देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब है। चलिए देखते हैं रेस्ट के कुछ फ्रेज है जो वर्ब के रूप में, एट रेस्ट, सॉरी ये आर्टिकल के हालत में, देखो फॉर द रेस्ट, रेस्ट ऑन, तो एट इजी एट रेस्ट यानी विश्राम की हालत में, फॉर द रेस्ट का मतलब बाकी बचे हुए को, टू प्लेस ऑन सपोर्ट यानी किसी बैठना या टेक पर हाथ रखना, है ना, पैर रखना, रेस्ट ऑन यानी आराम करना। चलिए हम अगला एक और पार्ट देखते हैं, इसमें बात शब्द का, बी ए टी एच, तो ये जो बात होता है ये जनरली नाउन के रूप में होता है, जबकि बी ए टी एच ई जब भी होता है तो उसी को ये वर्ब का फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे बात का उपयोग नाउन के रूप में स्नान नहाने के काम में होता है, यानी वॉशिंग ऑन ऑफ द बॉडी, नहाने का पानी या वाटर फॉर अ बाथ के अर्थ में भी होता है, जैसे ही वेंट फॉर अ बाथ यानी वो नहाने के लिए गया। अब बात का प्रयोग यदि वर्ब के रूप में यदि हम देखेंगे तो बात मतलब प्रोनाउंसिएशन तो वही है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब बन गया, उसका मतलब होता है स्नान करना, नहाना या जल में डुबाना या पानी से धोना, साफ करना। टू मॉइस्टन द बॉडी ऑल ओवर और टू इमर्स इन अ लिक्विड और अप्लाई वाटर टू, ही बाथ इन द रिवर, मतलब उसने नदी में स्नान किया। द डॉक्टर बाथ द वाउंड, डॉक्टर ने घाव को धोया, ठीक है। ड्रिंक का प्रयोग भी जनरली समझ ले फ्रेंड्स, ये जो ड्रिंक है, ड्रिंक का मतलब यहाँ पर नाउन के फॉर्म में भी होगा, वर्ब के भी फॉर्म में होगा। ड्रिंक जब बोला जाए नाउन के फॉर्म में तो कोई एक शराब पीने का ड्रिंक, ठीक है, और वर्ब का मतलब होता है कोई चीज मतलब मुंह में से अंदर की ओर प्रवेश कराना यानी पीना। तो नाउन का प्रयोग नाउन के रूप में पेय पदार्थ, कोई शराब, मदिरा, लिक्विड, ड्रिंकिंग एल्कोहलिक लिकर के अर्थ में होता है, जैसे वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड और ड्रिंक, हम भोजन और शराब के बिना या पानी पीने के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, बिना पेय पदार्थों के जिंदा नहीं रह सकते। ही इज टू फॉन्ड ऑफ ड्रिंक, उसे पीना बहुत अधिक अच्छा लगता है। ड्रिंक अब वर्ब के रूप में होगा तो पानी पीना ही होगा, मदिरा का पान करना, टू टेक लिक्विड इन टू द माउथ और सॉलो और टू टेक एल्कोहलिक लिकर्स, जैसे ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, वो एक ग्लास पानी पीता बिफोर गोइंग टू बेड, सोने के पहले। ही ड्रिंक्स फार टू मच, वो आवश्यकता से ज्यादा यानी शराब का सेवन करता है। स्विम का उपयोग यदि हम देखेंगे तो स्विम एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के फॉर्म में भी होता है, वर्ब के फॉर्म में भी होता है, मतलब तो दोनों में ही यहाँ पर तैरना है, लेकिन अब समझ लें यहाँ पर यदि नाउन के फॉर्म वर्ब के फॉर्म में होगा तो मूव द बॉडी थ्रू द वाटर यानी पानी में से बॉडी को चलाना, या क्रॉस द स्विमिंग पार दूसरे पार जाना, या ओवरफ्लोइंग यानी ऊपर से जाना के अर्थ में होता है। द गर्ल्स आर स्विमिंग इन अ टैंक यानी वो जो गर्ल्स है लड़कियाँ हैं वो टैंक में तालाब में तैर रही है, तो मतलब बॉडी को मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है। योर आईज आर स्विमिंग विद टीयर्स, तुम्हारी आंखें जो है वो आंसुओं से लबालब भरी हुई है ना, मतलब उसमें फैल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मूविंग हो रही है ना, मूवमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो स्विम का प्रयोग नाउन के रूप में यदि होता है तो एक्ट ऑफ स्विमिंग यानी कोई स्विम का काम करना, जैसे दे हैव गॉन फॉर अ स्विम कि वो लोग जो है वो एक तैरने के काम के लिए गए हैं, जैसे राइड का प्रयोग। एक और अगला फ्रेंड देखें जो राइड है, अब राइड का प्रयोग भी क्या होगा, नाउन के फॉर्म में भी होगा, वर्ब के फॉर्म में होगा, हालांकि दोनों का अर्थ यहाँ पर सवारी करना ही है, ठीक है, लेकिन आप दोनों का फॉर्म देखें, जैसे नाउन के फॉर्म में यदि होगा तो जर्नी ऑन अ बाइसिकल, हॉर्स बैक और इन अ पब्लिक व्हीकल यानी ऊपर से, ठीक है, सीट के ऊपर होना चाहिए जनरली राइड का उपयोग, जैसे हॉर्स की घोड़े के ऊपर, साइकिल के ऊपर या कोई व्हीकल के ऊपर, जैसे वी शुड गो फॉर अ राइड अ
अर्ली इन द मॉर्निंग हमें सुबह सुबह सवारी करने के लिए जाना चाहिए। अब हमें सवारी या सफर करने के लिए जाना चाहिए, चाहे बाइक पर जाएंगे या फिर कोई घोड़े वगैरह पे जाएंगे, ठीक है। अगले वाले में देखें, जब राइड का उपयोग वर्क फील्ड में हो तो क्या ऐसा होता है, तो यहाँ पर सवारी करना टू सीट ऑन अ हॉर्स और बाइसिकल और टू कैरी, मतलब उसमें सवार होकर कैरी अलॉन्ग उसके साथ से चलना, ठीक है। जैसे लॉन्चिंग वर जम्प्ड ऑन द हॉर्स एंड रोड ऑफ, जब लॉन्चिंग वर घोड़े के ऊपर कूदा एंड रोड ऑफ और वहां से चलने लगा। वैसे अगला वर्ड है फ्रेंड्स टॉक, तो टॉक का उपयोग भी नाउन के फॉर्म में भी होता है, वर्ब के फॉर्म में भी होता है, लेकिन बातचीत ही मेन तो वही है बातचीत, लेकिन चलिए इन दोनों को समझते हैं। तो टॉक का प्रयोग नाउन के रूप में वार्तालाप, वाद विवाद, वार्ता, भाषण, कन्वर्सेशन, म्यूचुअल डिस्कशन, स्पीच के अर्थ में होता है। दे हैड अ टॉक, दे हैड अ फ्रेंडली टॉक, उनमें दोस्ताना बातचीत थी। हाउ टू रूट आउट, हाउ टू रूट आउट टेररिज्म, यानी किस तरह से टेररिज्म को रूट आउट करें, यानी जड़ से उखाड़ दें, वाज द मेन टॉपिक ऑफ देयर टॉक, उसकी बातचीत का ये मुख्य विषय था। यहाँ देखो ये जो टॉक है यहाँ पर क्या था, नाउन का फॉर्मेशन था। ही गेव एन इम्प्रेसिव टॉक, उसने प्रभावशाली टॉक करी ऑन फैमिली प्लानिंग, यानी परिवार के नियोजन के बारे में। तो इम्प्रेसिव टॉक यहाँ पर भी ये क्या है, नाउन का फॉर्मेशन है, लेकिन टॉक का प्रयोग जब वर्ब के फॉर्म में होता है तो भाषण करना, समाचार बतलाना या बातचीत करना, टू एक्सप्रेस इन देयर वर्ड्स, टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन और स्पीक, यानी बोलना के अर्थ में होता है। जैसे ही इज टॉकिंग अबाउट हिज स्कूल डेज, वो अपने स्कूल डेज के बारे में बात कर रहा था। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, वो एक घंटे तक बातचीत करते रहे। फ्रेंड्स इन सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करते रहेंगे फ्रेंड, तो आपके मतलब एक जबान में ये अच्छी जगह बना लेंगे। चलिए एक और देखते हैं। अब इनमें यदि फ्रेश का उपयोग होता है तो टॉक का फ्रेश में क्या क्या होता है, टॉक तो फ्रेश की याद कर लें। जैसे टॉक अप यानी निर्भय होकर बोलना, भ्रंशा करना या उकसाना। जैसे टॉक अगेंस्ट टाइम, मतलब केवल समय बताने के लिए बात करना। टॉक अगेंस्ट टाइम यानी सिर्फ समय को काटना है, सिंपली गॉसिप यानी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। टॉक बिग यानी बड़ी बड़ी बातें करना, सेखी मारना, ठीक है, इस तरह की बातें। जैसे टू टॉक बोस्टफुली, टॉक डाउन का मतलब होता है यानी निंदा करना, विवाद में कर यानी विवाद करना। जैसे टू ओवर ब्लेम या फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट और बाय लाउड और परसिस्टेंट टॉकिंग, टू स्पीक डिस्पैरिंगली, टू बी लिटिल, यानी कुल मिला के निंदा करना, मेन है इसका निंदा करना या कंडेम करना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला वाला जो फ्रेज है, टॉक के बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं ये, कई बार आते हैं। टॉकिंग ऑफ का मतलब होता है इस ऐसे मामलों पर बातचीत करना जिसको ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं उस पर विषय पर, टॉकिंग ऑफ। टॉक ओवर का मतलब होता है वाद विवाद करना, टू डिस्कस कंटिन्यू यानी, लेकिन सकारात्मक यानी पॉजिटिवली, ठीक है, सब विस्तार वाद विवाद बात करना, अपने विचार का बना लेना। टॉक अराउंड का मतलब होता है कि लगभग लगभग अपने को किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना है लेकिन आसपास ही बात करना है। टू टॉक ऑन अ सब्जेक्ट विदाउट रीचिंग ऑन अ कंक्लूजन, ठीक है। टॉक टू का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, जैसे पब्लिक को संबोधित करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार दो बार वीडियो को बार बार पॉज करके आप याद करें। रूल नंबर 23, ये 22वां रूल था फ्रेंड। हाँ तो 23वां रूल क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उपयोग जब भी एक विशेष प्रकार के गुण में होता है तो इनके पहले ए या एन की जरूरत के मुताबिक ही होता, ध्यान दें। वैसे तो ये याद कर लें कि कई बार एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं ये इनके सामने एक ए और एन का उपयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली केवल मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मनाली हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, देखो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एजुकेशन लेकिन यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो जब नाउन के फॉर्मेशन में हो तब तो लगेगा, तो मनाली ने एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया है। इफ द स्टूडेंट वांट टू हैव अ गुड मॉर्निंग, गुड वर्किंग नॉलेज, यदि बच्चे अच्छा काम करने वाला उपयोगी यदि जानकारी को चाहते हैं ऑफ इंग्लिश, दे शुड रीड दिस बुक, तो उसे इस किताब को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो नॉलेज के सामने यहाँ पर फिर हमने आर्टिकल लगाए हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लेकिन सामान्यतः इनका प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे ही हैज अ प्राइड बोलेंगे तो गलत है, ही हैज प्राइड, वो उसे गर्व होता है। अ विजडम इज गिफ्ट ऑफ द हेवन, गलत है, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन ही सही है, ठीक है। विजडम के सामने भी ए नहीं लगता यहाँ पर, और प्राइड यदि लगा है तो यहाँ पर प्राइड के सामने भी ये नहीं लगेगा। चलिए बिकम का मतलब क्या होता है, ये बिकम हमारा जो नया वर्ड है बिकम,
इसको मतलब होता होना कोई चीज बन जाना है ना, बी प्लस कम याद कर ले, बी प्लस कम कम है ना होना बन जाना। वी गेव अ वर्ल्डली लाइफ, हमने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया है एंड बिकम अ सन्यासी, और हम एक सन्यासी बन चुके हैं। बिकम के बाद ए लगा है, माय सन वांट टू बिकम एन इंजीनियर, मेरा जो लड़का है वो इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है। ए या एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, इसे कंठस्थ कर ले फ्रेंड्स, है ना। जैसे हैव अ बियर मतलब बियर लेना, हैव अ शॉवर एक स्नान लेना, हैव अ शेव एक शेव करना मतलब शेविंग करना, ठीक है। हैव अ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना, हैव ड्रीम यानी सपना लेना, ठीक है। हैव अ चैट यानी बातचीत करना, हैव क्वारल यानी झगड़ा करना, हैव अ फाइट यानी लड़ाई करना, हैव अ गुड डे मतलब हैव अ गुड डे मतलब एक अच्छा दिन आपके पास होना। यदि हम बोलेंगे हैव बियर, इनमें से किसी के भी साथ में हम यदि यहाँ पर देखें, हमने कहीं पर भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, इसीलिए ये पूरे के पूरे क्या है, गलत है, ठीक है। जैसे हैव ड्रीम, हैव चैट, हैव क्वारल, हैव फाइट, हैव गुड डे नहीं बोला जाता। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का वीडियो था, छोटा सा वीडियो था। फ्रेंड्स आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं इसके बारे में कमेंट जरूर करें, और फ्रेंड्स जो आपके भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखे। तो जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।